हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वीवो V20 के पर्सनल सेफ के बारे में। मतलब कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ हाइड करना है, जैसे कि पर्सनल वीडियो, पर्सनल म्यूज़िक, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल पिक वगैरह वगैरह, आप लोग को कुछ भी चीज़ अगर हाइड करना है, बैकग्राउंड में नहीं दिखेगा, फाइल मैनेजर में नहीं दिखेगा, जहाँ पे फोटो गैलरी वगैरह कहीं भी नहीं दिखेगा, आप लोग ये सारी चीज़ को जो है एकदम पर्सनल जगह में हाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आप लोग को अलग से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करिए, यहाँ पे आप लोग को प्राइवेसी वाली सेटिंग में क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन में प्राइवेट सेफ का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइम अगर इंटर करेंगे, अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिएगा। जो भी पासवर्ड आप लोग इंटर करेंगे, सबसे पहले उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड इंटर कर दिया है। चार ऑप्शन हमें अवेलेबल मिल जाता है, जैसे फ़ोटोज़, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स का, अदर्स का। यहाँ पे आप लोग कुछ भी हाइड कर सकते। जैसे अदर्स में मैंने क्लिक किया, अभी मेरे फ़ोन में कुछ भी चीज़ यहाँ पे हाइड नहीं, तो मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ। और टू डॉट्स पे क्लिक करूँगा सेटिंग में, यहाँ पे जो है मैं अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकता हूँ प्राइवेट सेफ में। इस एप्लीकेशन को मैं जो है होम स्क्रीन पर भी ला सकता हूँ, उसके बाद मैं इसका प्राइवेसी जो है पासवर्ड वगैरह भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ भी चीज़ आप लोग हाइड कर सकते काफ़ी आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। जय माता दी।